हाय, वेलकम टू आवर शो वॉक द सेंट्रल विस्ता। हम लोग अभी सेंट्रल विस्ता पर हैं और जैसा हम लोगों ने पहले एपिसोड्स में आपको बताया है कि एक नया पार्लियामेंट बनने वाला है और ये पूरा जो सेंट्रल विस्ता यहाँ से लेकर जहाँ हम खड़े हैं, हमारे पीछे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है और पार्लियामेंट है, यहाँ से लेकर और ये पूरा राजघाट को शामिल करते हुए ये सेंट्रल विस्ता का पार्ट है। इसमें बहुत सारे नए बिल्डिंग्स आएंगे, बहुत सारी पुरानी जाएंगी और एक पूरा नया कायाकल्प करने की बात कही गई है। इसी पर हम लोग बात करने के लिए हैं और बहुत सारा इसका विरोध भी किया जा रहा है हिस्टोरियंस द्वारा, आर्किटेक्ट्स द्वारा, नेचुरलिस्ट द्वारा। आखिरकार जानते हैं कि सेंट्रल विस्ता में खड़े होकर इसका मतलब क्या है और क्यों इसका विरोध हो रहा है। आज इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्वप्ना लिटिल, जो कि ऑथर हैं और हिस्टोरियन हैं। स्वप्ना, आपका बहुत स्वागत है समय देने के लिए और ख़ासकर एकदम नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के सामने। अगर पहला सवाल हम ये पूछना चाहें आपसे कि गवर्नमेंट कह रही है हम लोग कार्बन फुटप्रिंट लो करने वाले हैं, हम लोग पैसा बचाने वाले हैं, तो हिस्टोरियंस और आर्किटेक्ट इसका विरोध में क्यों खड़े हो रहे हैं? देखिए, मैं तो एक हिस्टोरियन हूँ, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले हमें जो बात करनी चाहिए वो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझें कि ये कैसे बना, क्यों बना, इसका मतलब क्या है और ख़ास तौर पे हमारे लिए आज इसका मतलब क्यों, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि ये तो कॉलोनियल हिस्ट्री exactly, है, कॉलोनियल आर्किटेक्चर है, इसका हमारे लिए क्या महत्व है। तो उसके लिए मैं ये कहूँगी कि अगर आप इनको देखिए, दिल्ली, लोगों ने कहा है कि यहाँ पे बहुत कई शहर बने, अलग अलग डिनेस्टीज़ ने, अलग अलग एम्पायर्स ने अपना कैपिटल बनाया यहाँ पे और फिर कोई और आया, उसने नया बनाया। जब अंग्रेज़ों ने बनाया यहाँ पे कॉलोनियल, जब हम ये पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल, और जब उनकी बारी आई, उन्होंने कलकत्ता से दिल्ली पहले तो अपना जो कैपिटल था वो बदलने की बात की। उसके पहले पीछे भी ये बात थी कि हम एक इंडियन कैपिटल बनाएंगे, और जब इंडियन कैपिटल की बात आई तो इंडियन कैपिटल का जो मतलब था उस समय दिल्ली ही था, क्योंकि इतने बार दिल्ली राजधानी बना था देश की, तो उन्होंने उसको ही चुना। और जब आर्किटेक्चर की बात आई, उन्होंने ये फिर से ये सोचा कि हम ऐसा कैपिटल बनाएं जो बिल्कुल इंडियन लगे, कई हद तक इंडियन लगे। लेकिन वो मतलब दिखाने का क्या था, वो दिखाने के लिए था या असल में मतलब उसमें परिवर्तन आप देख रहे हैं या सिर्फ उसकी पॉलिटिक्स इम्पॉर्टेंट थी? थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी थी, बात ये थी कि क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट बढ़ रहा था तो उसका कोई जवाब तो देना ही था उनको, तो एक तो उन्होंने जवाब, अगर मैं सरल भाषा में कहूँ, ये जो पूरी बिल्डिंग्स है ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक जवाब है, बिल्कुल ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट, बिल्कुल काफी हद तक ये जवाब है। एक तो उन्होंने कहा कि हम इंडियंस को थोड़ा सा शामिल करेंगे अपनी सरकार में भी, थोड़ा सा जो रिफॉर्म्स आए, मॉर्डी बिंटो रिफॉर्म्स आते हैं, इस तरह के रिफॉर्म्स आते हैं कि थोड़ा सा इंडियन पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में इंक्रीज़ किया जाए, और सेकंड ये इससे बताया जाए कि कैसे ये जो सारी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं इसमें क्या, इसका क्या असर है। और अगर आप देखें उनका आर्किटेक्चर भी ऐसा है कि बिल्कुल वो दिखाते हैं कि ये इंडियन आर्किटेक्चर है, रेड सैंडस्टोन, बेज सैंडस्टोन, ये जो आपको लाल और बेज पत्थर दिखेगा ये बिल्कुल उसका असर है, इंडियन आर्किटेक्चर का असर। सपना, आप समझा रहे थे कि ये जो धरोहर है, दरअसल ये जो पूरा सैंडस्टोन लगाना या जो ये डोम होना, ये जो चार्ज लग रहा है कि, या चार्ज क्या, आप ये कहिए कि ये बहुत ही कॉलोनियल लिगेसी है। आप ये कह रहे थे कि कॉलोनियल नहीं है, ये काफ़ी कुछ हिंदुस्तानी इम्बाइब्ड है, तो आई मीन क्या तो मतलब है? अगर आम नागरिक के लिए हम बताएं कि नहीं देखिए, बनाया अंग्रेजों ने जरूर है लेकिन अंग्रेजों का नहीं है। जी हाँ, एक तो अगर आप देखें तो जिस तरह से छतरियां बनी हुई हैं, जिस तरह से वो राष्ट्रपति भवन का जो गुंबद है वो भी सांची स्तूप के ऊपर है, ये जो रेलिंग्स हैं चारों तरफ आपको दिखती हैं विजय चौक में, ये भी सांची स्तूप से। और हम ब्रिटिश आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो ज्यादा हमने जैसे शिमला से हम देखते हैं तो थियोडोर आर्किटेक्चर था, थियोडोर का इसमें कहीं भी नाम नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ नहीं है। और तो ये एक मिला जुला स्टाइल है, उसमें इंडियन का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, काफ़ी इंस्पायर्ड है इंडियन आर्किटेक्चर से। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इसको इंडियन बोलें तो पहले तो हमारी टैक्सेस से बना है ये इंडियंस ने, हमारे पैसे से बना है, और जो हमारे क्राफ्ट्समैन हैं जिन्होंने इसकी नक्काशी की है, सारा कुछ उन्हीं के खून पसीने से बना हुआ है ये, तो इसमें कहना कि ये सिर्फ कॉलोनियल लेगेसी है ये गलत बात होगी।
तो आर्किटेक्चर के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी कुछ जो है इंडियन इन्फ्लुएंस ज़रूर है। सब ना ये इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि ये मतलब पूरा ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है कि ये कॉलोनियल लिगेसी है, ये हमारे खून पसीने से बना है। और काफ़ी कुछ जैसा आपने ऐतिहासिक रूप से बताने की कोशिश की है कि ये दरअसल जो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन था उसकी भी एक प्रतिबिंबन है। जी हाँ, और दूसरी चीज़ जो हमको याद रखनी चाहिए कि इसका जो इतिहास, अंग्रेज़ों ने इसको बनाया 1931 में इसका उद्घाटन हुआ, उससे पहले भी यहाँ पे काम शुरू हो गया था, लोग रहने लगे, वाइसरॉय यहाँ पे राष्ट्रपति भवन में रहते थे, सेक्रेटेरिएट्स में काम शुरू हो गया था, दफ्तर बन गया था वो सरकार का। 1929 से शुरू हुआ सेक्रेटेरिएट चलना आप समझे। और 1947 में आज़ाद हो गए। तो असल में अगर देखा जाए तो 1947 की बाद की जो का जो समय है उसमें तो ये हमारी ही धरोहर है, क्योंकि 70 साल से ज़्यादा तो हमारी सरकार यहाँ पे काम कर रही है। तो जब हम सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को देखते हैं, उसकी नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक को देखते हैं, राष्ट्रपति भवन को देखते हैं, तो हमारी जो उस हम हमारे दिमाग में तो ये भारतीय सरकार से कनेक्टेड है ना, ये कॉलोनियल लेगेसी कैसे हो सकती है, हमने इसको अपना बना लिया है। जिस तरह से हमारे रिपब्लिक डे परेड्स यहाँ पे होती हैं, जिस तरह से बीटिंग ऑफ द रिट्रीट होता है, और शुरू से जब से ये बना तब से एक और जो ट्रेडिशन था इसके साथ जो जुड़ा हुआ था वो ये कि लोग यहाँ आते थे, घूमते थे, इसका मज़ा लेते थे। सेंट्रल विस्टा अभी ये क्या खतरा लग रहा है कि मान लीजिए ये सेंट्रल विस्टा बन जाएगा, कि हमारे एकदम पीछे आप देख सकते हैं, अगर आप कैमरा में दिखा सकते हैं जहाँ हम खड़े हैं, इसके एकदम पीछे, और अभी बहुत एक्टिविटी चल रही है क्योंकि शायद प्राइम मिनिस्टर का मूवमेंट है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का घर आने वाला है, ऑफिस आने वाला है, और बताया जा रहा है कि वहाँ से टनल डिग करके वो पूरा मतलब नया पार्लियामेंट यहाँ बनेगा। तो एक बहुत आर्ग्यूमेंट ये है कि ये ओपन स्पेसेस बहुत स्क्वीज़ हो जाएंगी। आपको कैसा मतलब क्योंकि जब ये बना है तो पूरे ऐतिहासिक धरोहर ये है कि आम जन शामिल हैं इसमें, लेकिन अभी ये स्क्वीज़ हो जाएगा, वो लोगों की जो पार्टिसिपेशन है बहुत कम हो जाएगी। देखिए, ऐसा है कि हम तो कुछ सालों से भी देखते आ रहे हैं कि हम लोग जिस तरह से यहाँ टहल सकते थे, यहाँ बैठ के पिकनिक करते थे, वो सब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे इंडिया गेट में भी पहले हम बिल्कुल कहीं से भी कहीं आप घूम लीजिए उस पार्क में, अब क्या है कि फेंस आ जाती है, दीवार आ जाती है, आप उधर जा नहीं सकते हैं। तो ये जो एक बदलाव है वो तो आ ही रहा है, और जितना सरकारी ये हो जाएगा उतना ही इसमें और भी मुश्किल आएगी। सपना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और बता रहे हैं कि क्योंकि जैसा आपने एक बेसिक बात कही कि ये जो प्रतिबिंबन है, बेसिकली जो आर्किटेक्चर की मैनिफेस्टेशन है या पूरा ये बनना नॉर्थ साउथ ब्लॉक, ये दरअसल एक जवाब था हिंदुस्तान के राष्ट्र मुक्ति आंदोलन को, और बहुत कुछ सीख कर आए वो कलकत्ता से। तो आप और आपने किताब भी लिखी है जिसमें आपने इसका जिक्र किया, आप थोड़ा उसके बारे में कहना चाहेंगे कि कैसे ये धरोहर हमारी है। तो नई दिल्ली का आर्किटेक्चर क्या होगा इसके ऊपर अंग्रेजी सरकार में भी काफी लिखा पड़ी हुई बातें हुई। और कौन से साल की बात है ये 1912 की बात। ओके, जब 1911 में ये अनाउंस होता है कि कैपिटल नया बनेगा, और 1912 में ये शुरू हो जाती है, ये बहुत डिबेट होता है कि भाई किस किस्म का हम शहर बनाएंगे, क्या आर्किटेक्चर होगा। और उसमें एक आर्ट हिस्टोरियन थे हैवेल करके, उनका ये कहना था कि देखिए, हम जो कलकत्ता को छोड़ के आ रहे हैं, जिस कलकत्ता को हम छोड़ के यहाँ आएंगे, उस कलकत्ता में वो अंग्रेज़ों का प्रतीक है, और हम जब दिल्ली आएंगे उसका आर्किटेक्चर भी थोड़ा बिल्कुल कलकत्ता की, वो उसका जो उसको देखते ही लगता है ये ब्रिटिश है। तो हम चाहते हैं कि दिल्ली में जब हम आएँ तो हम दिल्ली के ट्रेडिशंस को लें। अकबर, और उन्होंने अकबर का जिक्र किया कि अकबर ने किस तरह से अकबर का जिक्र मतलब डॉक्यूमेंटेड जिक्र है, बिल्कुल किया कि हमने कि अकबर ने किस तरह से हिंदुस्तानी का जो हिंदुस्तानी जो ट्रेडिशन था उसको लेकर जिसको अंग्रेजी में सिंक्रेटिक सिंक्रेटिक कल्चर किया, और उसको जो उन्होंने वो अपने होमलैंड से लाए थे, जो ट्रेडिशन थे आर्किटेक्चर से, उनको मिला जुला के जिस तरह से आर्किटेक्चर बना है वो हमको भी उसी तरह से फॉलो करना। बेसिकली ये अकबर का दीने लाही की तरह, बिल्कुल अकबर का सुलह कुल के तरह, सुलह कुल मतलब कि सब लोगों के साथ सुलह करना, और उन्होंने कहा कि हमें उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए अपना दिल्ली का आर्किटेक्चर। फ्लॉड आर्गुमेंट है कि ये हमारा संस्कृति नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है। और एक आप और भी उसमें जिक्र किया है आपने कि जो ये राजपथ है और चांदनी चौक वाला है,
वो पूरा पैरल ड्रॉ करते हैं ज्योग्राफिकली, बिल्कुल उसकी क्या महत्व है, क्या रिलेवेंस है? वो चाहते थे कि किसी तरह से भी हो हमारा आर्किटेक्चर और टाउन प्लान में भी हमें दिल्ली की जो हिस्ट्री है, दिल्ली के जो पुराने शहर हैं, उनसे कुछ ना कुछ तालमेल बैठाना चाहिए। तो अगर आप राजपथ देखिए तो बिल्कुल राजपथ राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक बिल्कुल सीधे पुराना किला तक मिलता है। एक तो पुराना किला है अगले तरफ, और दूसरी जो चीज़ है वो राजपथ जो है बिल्कुल जो चांदनी चौक वाली जो सड़क है बिल्कुल उससे पैरेलल है। तीसरी चीज़ ये जो विजय चौक का एरिया है, अगर आप सीधी एक लाइन खींचे यहाँ से वो सीधे जामा मस्जिद तक जाके मिलती है। तो इस तरह से उन्होंने ज्योमेट्री उसकी बनाई। और लटियंस ने एक अपनी एक टॉक में बोला था 1931 में कि ये जो ट्राइंगल बना चांदनी चौक की जो सड़क है कि जो ये जो राजपथ है और वो जामा मस्जिद वाली लाइन है, उस वो दोनों साइड से जो ट्राइंगल बना वही उसी को उस ट्राइंगल को बड़ा करके ही न्यू दिल्ली का प्लान बना है, उसी ज्योमेट्री के ऊपर नई दिल्ली का प्लान बना। तो आई थिंक सपना आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी भी दी है और हमारे दर्शकों को भी। और असल बात जो अगर हम थोड़ा कैमरा पीछे दिखा सकेंगे एक बार लास्ट में इसको ख़त्म अपने शो को इसको ख़त्म करने से पहले, कि पूरा जैसा आपने कहा ये रेड सैंड स्टोन है या ये जो डोम है ये पूरी हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। और जैसा आपने कहा कि जिस तरह अकबर ने सिंक्रेटिक कल्चर किया, कोशिश की ब्रिटिश हुकूमत ने इसको बिल्ड करने की, और आई थिंक सबसे मूल बात यह है कि इस पर ज़्यादा समय तक ये इसकी जो ओनरशिप है वो हमारे पास रही है, हमारे पास मतलब आज़ाद भारत के पास। कैसे भाजपा कह सकती है कि ये हमारा हमारी धरोहर नहीं है? आई थिंक यही हमारे लिए सवाल है कि ये धरोहर हमारी है, ये सांझी धरोहर है, सांझी संस्कृति है, इसको बचाना भी ज़रूरी है। और इसीलिए जो पूरा सवाल आ रहा है कि सेंट्रल विस्ता क्यों होना चाहिए, 20,000 करोड़ रुपये खर्च करना क्यों होना चाहिए, इन्हीं पहलुओं पे हम लोग अभी और बात को आगे जारी रखेंगे डिफरेंट एपिसोड्स में। सपना आपको बहुत बहुत धन्यवाद।